डाला। तो सही है देखो, चावल तो बढ़िया है। हाँ तो ठीक है, ये भगवान ने तेल डाल दिया है और तेल गर्म हो चुका है। इसके बाद में प्याज डालेंगे अभी, और मैंने गोश्त पहले से उबाल के रखा हुआ है, थोड़ा सा 2 किलो गोश्त है 400 ग्राम तेल और 2 किलो में 400 ग्राम तेल डाला है। अगर कम भी डालो तब भी डाल सकते हो, तो ज़रूरत के हिसाब से, मतलब जितना जो ज़्यादा खाए, अगर कम खाए तो कम डाल लें। तेल हो गया था हमारा, प्याज डाल दिया है, 2 किलो में 1/2 किलो प्याज, 2 किलो में 1/2 किलो प्याज डाला है और थोड़ा सा प्याज बढ़ा लिया है ऊपर से डालने के लिए। जब तक ये ब्राउन होगा तब तक इसको तलेंगे। ये प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन होने लगा है, थोड़ी देर रोज को भी होने देंगे। प्याज हमारा हो गया है गोल्डन ब्राउन, अब इसमें गोश्त डालेंगे। अब इसको अच्छे से तलेंगे, जब तल जाएगा तो इसमें मसाले ऐड किए जाएंगे। बीच बीच में इसको चलाते भी रहना है ताकि ये चारों ओर का बराबर हो, बराबर तल जाए। ये मसाले हैं 2 किलो गोश्त के लिए, अभी इसको पीसे जाए, ये पीसेंगे, इसको पीसने के बाद इसको गोश्त में डालेंगे जब तेल तल जाए, जब गोश्त तल जाएगा। बीच बीच में इसको चलाते रहना है ताकि ये चारों गोश्त बराबर अच्छे से तले। मसाला जो है मिक्सी में पीस नहीं पाया तो फिर सिल पे पीसने के लिए दोबारा आए हैं, अब इस पे पीस जाएगा जब अच्छे से तब इसको गोश्त में डालेंगे। ना ये कहते मिक्सर में जहाँ पीसो जहाँ सिल पर, लाइट की वजह से हाथ से पीस रहे हैं, मिक्सी में पीस रहे तो लाइट चली गई इसलिए सिल पे पीस रहे हैं। सिल पे पीसने से खूबी यह होती है कि जायका इससे ज़्यादा अच्छा आता है गोश्त का। ये मसाला हमारा पिस चुका है, हाँ तली गवार है मसाला ही मैं का जाली रहती इधर मिस्से। ये मसाला हमारा पिस चुका है, तमाम 50 ग्राम धनिया है,
50 ग्राम धनिया 2 किलो गोश्त के लिए, और ये मसाला रखा हुआ है, और 2 चम्मच मिर्चा जैसे जैसे तीखा खाना चाहिए, और ये 2 चम्मच मिर्चा, ये लाल मिर्च पाउडर है 2 चम्मच, ये मसाला इसमें ऐड कर दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट पहले ही डाल दिया था थोड़ा, लहसुन अदरक इतना, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, पानी डाला इसको, ये थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, चलाओ बस बढ़ते पानी ही चलाओ, चलाने के बाद देखो हरी मिर्च हम थोड़े डालेंगे, ये थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, गोश्त हमारा काफी अच्छा तल गया था, लाल एकदम हो गया था, अब इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से, अच्छे साथ डाल दिए ये थोड़े से हरी मिर्च डाली है इसमें 6-7, बिल्कुल ये बारात के जैसा गोश्त लगेगा, जैसा शादियों में बनता है गोश्त, ये थोड़ा सा पानी कम रह गया था, थोड़ा सा ऑलरेडी किया है इसमें पानी, अब इसको थोड़ी देर बंद करेंगे, इसके बाद में इसको थोड़ी देर भूनेंगे हम, 10 मिनट के बाद हम भूनेंगे इसको, 10 मिनट के बाद भूनेंगे, इसमें थोड़ा सा कच्चा प्याज जो हमने बचाया था वो थोड़ा सा मसाले के साथ में थोड़ा ऐड करेंगे, अब इसको बंद कर देंगे, ये गोश्त फटकने लगा, इसमें बॉयल आ गया है, इसको चलाते रहेंगे, चलाते चलाते भूनेंगे इसको, इसको चला चला के भूनेंगे, इसको अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक भूनना है जब तक पूरे मोहल्ले में खुशबू ना इसकी फैल जाए, गोश्त हमारा भुनने लगा है, अभी इसको थोड़ी देर और तक भूनेंगे, जब तक ये अच्छी तरीके से भुन नहीं जाएगा, थोड़ा मेरा मसाला थोड़ा नीचे लगने लगा है इसका, थोड़ी आग तेज होने की वजह से, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी, गोश्त भुन रहा है, सही सही बंद करके रखे तो 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए बंद करके रख दो। चलो
ठीक है, बता दें। अब तो हम बस जा ही रहे हैं, हमारा काम खत्म। नहीं चलाए।